जय सोमनाथ। राम राम किसान साथियों, मैं प्रभात कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल सोमनाथ क्रॉप केयर में। मैं पहुंचा हूं आज रतलाम जिले के गांव सागोद में और हमारे साथ में हमारे उत्कृष्ट किसान जिन्होंने अपने सोयाबीन की फसल में सोमनाथ के उत्पाद शिखर का उपयोग किया था। तो आइए उनसे जानते हैं कि उनको क्या परिणाम मिले। नमस्ते भैया। नमस्ते। आपका शुभ नाम? अशोक धाकड़। गाँव? सागोद। मोबाइल नंबर? 99268-61502। आपने अपनी सोयाबीन की फसल में सोमनाथ क्रॉप केयर के कौन से उत्पाद का उपयोग किया था? मैं जब शॉप पे गया था तो उन्होंने मुझे दो तीन बताई थी दवाई, तो पर वो मेरे को लगा यार पिछले साल भी मैंने शिखर डाली थी। अच्छा। एक खेत में अलग से, तो वो उसका मेरे को थोड़ा अच्छा रिजल्ट दिख रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो अपन इस बार थोड़ी महंगी पड़ेगी लेकिन शिखर ही डाली। तो ये मैंने करीबन मैंने क्या लोग वीडिसाइड के साथ में भी डालते हैं। हाँ। मैंने उस टाइम पे डाली नहीं थी वीडिसाइड के साथ में दवाई, तो मेरा गांव का जो दो रहता है उससे थोड़ा सा अलग रहा। मतलब तो आपने कितनी तारीख को स्प्रे किया था शिखर का? ये मैंने करा था 25 तारीख के दिन में लाया दवाई और 26 जुलाई के आसपास केवल शिखर ही डाली थी मैंने और डाला उसके साथ। तो इसका आपको किस किस चीज पे कंट्रोल दिखा? देखो उस टाइम पे मैंने जब डाला था ना। हाँ। उस टाइम पे इस खेत में कोई लीका वो था नहीं कुछ ज्यादा विशेष। अच्छा, अटैक नहीं था? अटैक भी नहीं था और मेरी फसल पहले अच्छी स्वस्थ ही थी, पर जैसे रहते मैंने छिड़काव करा और 26 तारीख के दिन हमने छिड़काव करा, मेरी सभी जमीन में 26 और 27 के दिन छिड़काव हो गया था लगभग। हाँ। और गांव में वैसे फिर उसके दो तीन बाद मौसम थोड़ा चेंजेस हो गया था, पानी आने झुरझुर पानी, मतलब वो मौसम में पानी रहता है ना, सावन का झेरे लगने लग गई थी तो पानी गिर रहा था। 3-4 दिन से थोड़ा पानी गिरा और 1 या 2 तारीख के दिन गांव में फिर इल्ली का एक जो रहता है दौर आया था। हाँ। मतलब रहता है ना अटैक आया अटैक टाइप रहता है वो जो रहता है वो जो हर 15-20 दिन में आता है। हाँ। तो वो आया था, तो मैं गांव में जो लोग छिड़काव करने के लिए निकले मेरे को ऐसा लगा यार अपन भी देखे जाके, मैंने जाके देखा तो यार मेरे को तो नहीं दिखी कहीं इल्ली। अब मैं एडवांस में मैंने कहा यार क्या मालूम अपन पहले से कैसे डालें, भाई अपन को आज 7 दिन ही हुए छठे दवाई छिड़काव करे ने, तो मैंने रोज आया जा के देखता था कि यार आज देखो कल देखो, रोज देखा इल्ली का, रोज सर्वे करता हूँ यार आज दिखे। ऐसे करते करते मुझे वो दौर निकल गया ने, लोगों ने छिड़काव अपने खेत में कर भी लिया, मैंने नहीं करा उस टाइम छिड़काव। अच्छा। अपन ने मैंने 5-7 दिन पहले ही कर लिया था मतलब। तो मेरे को ऐसा लगा कि इसने अच्छा कंट्रोल भी रखा, मतलब इल्ली आने ही नहीं दी। मतलब 26 जुलाई को समथिंग डाला और उसके बाद मैंने जो 2-3 तारीख के दिन जो दौर आया था इल्ली का उसमें इल्ली मुझे नहीं दिखी कहीं भी। ऐसे करते करते मैं रोज दिखता था खेत में आके, तो मुझे वापस इल्ली दिखी मुझे मतलब एक मतलब यहाँ रोज आना जाना होता हमारा फार्म हाउस यही है। हाँ। तो एक दूसरे खेत में भी दिखी मुझे कहीं दिखी थी ऐसी 95-60 वेरायटी में। हाँ। तो फिर मैंने दही लेने गया वापिस और फिर मैंने यहाँ भी आके देखी मेरे को इल्ली नहीं दिखी इस खेत में, वो दूसरे खेत में दिखी हल्की सी 1-2 जगह। फिर मैंने 2-3 दिन निकाला, मैंने जल्दबाजी नहीं करा, थोड़ा आराम से छिटे अपन को हो सकता है अगला छिड़काव छटना ही नहीं पड़े अपन। तो अभी आपको कितने रोज लगभग हो गए शिखर का स्प्रे किए? मैंने यहाँ पर लगभग इस खेत में शिखर का वापस मैंने स्प्रे करा 21 या 22 दिन में करीबन। 21-22 दिन? हाँ। वापस तो मैंने मतलब इसका छिड़काव कल ही दोपहर बाद करा मैंने इसको, मतलब करीबन 21 से 22 दिन बाद करा और उसमें मुझे इल्ली फिर भी नहीं दिखी कहीं भी। इल्ली का अटैक नहीं था फिर भी? कहीं भी इल्ली एक भी इल्ली नहीं, मैंने खूब ढूंढी भी सही, मुझे इल्ली नहीं दिखी मेरे को, कहीं गटर बिटर की शिकायत दिख रही थी इसलिए मैंने को अब छटना ही पड़ा गटर बिटर के लिए। तो वापस रिंग कटर का अटैक दिखा था तो उसमें वापस से शिखर का चयन किया, ये जैसे एक आधा पत्ते में शुरुआत ही आई थी खाली, बस उसके बाद कहीं नहीं दिखा मुझे। तो किसान साथियों, भैया ने 26 जुलाई के आसपास अपनी फसल में शिखर का उपयोग किया था, तो इनको अभी तक लगभग 20 से 22 दिन हो चुके थे, तो इनको कहीं खेत में न तो इल्ली दिखी थी और न ही किसी प्रकार के कीट का अटैक दिखा था। इनको थोड़ा बहुत जहाँ भी थोड़ा सा अटैक दिखा तो उसके बाद वापस से इन्होंने शिखर का चयन किया है, तो उसका बहुत बढ़िया परिणाम रहा है कि फसल भैया की अभी तक पूरी स्वस्थ है और किसी प्रकार के कीट का कोई विशेष अटैक नहीं है, मतलब पूरी तरह स्वस्थ खड़ी है फसल। तो क्या आप शिखर प्रोडक्ट से पूरी तरह संतुष्ट हुए? नहीं, मैं तो संतुष्ट हूँ, बढ़िया कई अच्छी दवाई है, कम समय ज्यादा अपन को बार बार मजदूर वगैरह बहुत मिलते नहीं है, खर्चा भी कम लगता है, बार बार स्प्रे नहीं करना पड़ता, बार बार स्प्रे नहीं करना पड़ता, अच्छी लंबी अवधि मिल जाती है ख्याल से, अगर मतलब अच्छी दवाई ये अगर इसको मतलब बीच में अगर गैप देके मान लो 3 बार तो लगभग छिड़काव सभी कर रहे हैं, अगर शिखर को आप थोड़ा शुरुआती दौर में थोड़ा सा लेट अगर छिड़काव करोगे तो 2 छिड़काव में शिखर से सोयाबीन पक जाता है। भैया का कहना है जैसे अगर अर्ली वेराइटी है और शिखर का उपयोग करते हैं तो मात्र 2 स्प्रे में ही आपको सोयाबीन पकने को मिल जाएगी। ठीक है, धन्यवाद भैया। धन्यवाद। जय सोमनाथ।